महिंद्रा अपनी बोलेरो को फेसलिफ्ट के साथ में बहुत ही जल्दी लॉन्च करेगी। थार रॉक्स तो आ ही चुकी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको बोलेरो फेसलिफ्ट की डिटेल में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग दी लॉन्च डेट, प्राइसिंग, फीचर्स, इंजन एंड गियरबॉक्स ऑप्शंस। सभी बदलाव के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देख लेना। बाकी मतलब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वॉच टिल द एंड फॉर द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। महिंद्रा के लिए अपनी पुरानी SUVs जो है वो हमेशा से खास रही है, फिर चाहे वो थार हो, मतलब पहले जो थी वो उसको बोला जाता था 450 DI वाली जीप जो कि 3 डोर के साथ में आती थी। लेकिन वो सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए एक और चीज़ की बात करें, महिंद्रा वाले गाड़ियों को मतलब अपनी पुरानी SUVs को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में गाड़ियों के कैरेक्टर को बरकरार रख रहे हैं। अगर एग्जांपल दूँ तो थार 3 डोर की मतलब उसी की बात कर लो तो गाड़ी अच्छी है, मॉडर्नाइज फीचर्स भी है, 5 डोर भी ऐसे है। लेकिन बात होगी बोलेरो फेसलिफ्ट के साथ में क्या होगा। सबसे पहले फीचर्स की बात कर रहे हैं, मतलब उसी के बारे में अभी जो बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करता है कि गाड़ी के बारे में आपको मतलब फीचर्स के नाम पर आपको क्या देखने को मिल सकता है। इंटीरियर के अंदर नो डाउट आपको सिंगल पेन सनरूफ देखने को मिल जाएगा, वायरलेस चार्जर होगा, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल होगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम 10 इंच की होगी मिनिमम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुल डिजिटल होगा, रियर एस इवेंट्स कंट्रोलर के साथ में होंगे, 6 एयरबैग्स होंगे, लेदर सीट्स होंगी, वेंटिलेटेड सीट्स होगी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स होंगी, इंटीरियर मतलब कि फुल्ली पैक्ड होगा फीचर्स से। लेकिन एक्सटीरियर की बात करें तो वहाँ पे उतनी ही टफनेस, रगेडनेस और क्लासिकनेस होगी जितनी पहले हुआ करती थी। बोलेरो जितनी पहले क्लासिक या फिर बोल लो रफ एंड टफ हुआ करती थी वैसे ही अभी भी रहेगी इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, तो वहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। बात करें लॉन्च की तो सितंबर के एंड के अराउंड आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो विद द प्राइस टैग ऑफ 9.5 से 13 लाख एक्स शोरूम तक। अभी 13 लाख एक्स शोरूम का मतलब है कि ये टॉप एंड मतलब जो होगा डीजल ऑटोमेटिक के साथ में अगर आती है तो की बात है, और ड्यूअल टोन के साथ में आएगी ऐसा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है। बाकी अभी देखते हैं क्या चीज़ें होती है, जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा वैसे इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा आती रहेगी और करेक्शन के साथ में आएगी। अभी सितंबर एंड जो है वो रिपोर्ट्स बोल रहे हैं, लेकिन हम हमारी ओर से अगर आपको सच में बताएं तो हम तो इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवंबर के अराउंड, क्योंकि एक्चुअली 700 इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ में आएगी, 500.EV जो है वो आएगी जो कि कूपे है, मतलब आप मान लो कर्व की ही बहन जैसी लगेगी आपको। उसके अलावा इन लोगों को लॉन्च करना है 700 प्रॉपर ईवी के साथ में, 500 EV के साथ में। तो ये सारी चीज़ों के चलते 5 डोर के मतलब 5 डोर के प्रोडक्शन को भी मीट करना है क्राइटेरिया को, तो इस वजह से हो सकता है डिले हो जाए। बाकी गाड़ी के इंजन और गियरबॉक्स की बात करें, 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन देखने को मिलेगा, 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर आपको देखने को मिल जाएगा, पेट्रोल गाड़ी के साथ में नहीं होगा। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रेफर नहीं करेंगे पेट्रोल को पर्टिकुलर मतलब कार के साथ में, तो इस वजह से डीजल के साथ में ही प्रोवाइड किया जाएगा और 6 स्पीड का मैनुअल। और जो लोग अवॉइड कर रहे थे कि मतलब ज़्यादा रफ़ और टफ़ हो चुकी है इस वजह से और ऑटोमेटिक ना होने की वजह से लोग इसको रिजेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो सकती है, क्योंकि टॉर्क कन्वर्टर अगर 6 स्पीड का दे देते हैं तो फिर 2.2 लीटर एमहॉक के साथ में वो मतलब अच्छा सा रिएक्ट कर सकता है। रबर बैंड इफेक्ट के अलावा भी मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इम्प्रूवमेंट के एरिया के अंदर इंक्लूड हो सकती है, तो यही चीज़ें लुक फॉरवर्ड आप कर सकते हो एक्सपेक्टेशन के तौर पर। बाकी अभी जो टॉर्क कन्वर्टर रिएक्ट करेगा थार 5 डोर के बारे में, उस हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कैसे बॉडी रोल वगैरह हैंडल करेगी। बाकी फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए इतना था, अगले वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।